हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीति राजा ऑफिशियल। और आज हम बनाएंगे तुअर की दाल, जो कि सबको पसंद होती है। और इसको सबसे पहले पानी से हम अच्छे से 3-4 बार धो लेंगे, जिससे कि ये थोड़ी हल्की सी फूल जाएगी। उससे क्या होगा, हमारी दाल बहुत अच्छी बनेगी। पानी निकाल के फिर इसमें 1 चम्मच तेल डाल के अच्छे से इसको मिला देंगे। इससे हमारी दाल बहुत अच्छी बॉयल होगी और बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। चलिए तो अब दाल को हम डाल लेते हैं कुकर में। कुकर में डाल के अच्छे से पूरी निकाल के ऐसे डाल देंगे। फिर उसके बाद इसमें डालते हैं सामग्री। तो सबसे पहले डालते हैं हल्दी, 1/2 चम्मच हल्दी, और फिर डालूंगी नमक। नमक आप अपने हिसाब से स्वाद के अनुसार डालिए, जैसे कम ज़्यादा खाते हो उसके हिसाब से डाल लीजिए। और फिर डाल देती हूँ मैं इसमें बारीक कट के प्याज, बहुत अच्छा बारीक काट करके मैंने इसमें प्याज डाल दिया। और फिर इसमें डालेंगे टमाटर, जो कि बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने इसको काट लिया है। और फिर डाल देते हैं 2 हरी मिर्ची छोटी छोटी हिस्सों में काट के, और थोड़े से खड़े मसाले, 1 तेज़पत्ता, लौंग, छोटी इलायची, काली मिर्ची, और ये बड़ी इलायची है जिसका 1/4 हिस्सा मैंने लिया है, जिससे कि स्वाद अच्छा आएगा। और फिर इस कटोरी से मैंने 1 कटोरी दाल ली थी, उसी कटोरी से मैंने 4 कटोरी इसमें पानी डाल दिया है। और अगर आप गाढ़ी या पतली दाल खाते हैं तो 1 कटोरी कम या ज़्यादा कर लीजिए। तो चलिए अच्छे से मिला देते हैं। अब हम डालेंगे इसमें बहुत ही ज़रूरी चीज़, जो कि है देसी घी, जिससे कि दाल हमारी पूरे घर में महक जाएगी और बहुत अच्छा स्वाद आएगा। और फिर इसका चलिए कर देते हैं ढक्कन बंद और रख देते हैं गैस पर। जब तक सीटी आती है तब तक हम कर लेते हैं तड़के की तैयारी। तो इसमें लहसुन और अदरक को मैंने अच्छे से कुचल के डाला है, जिससे कि स्वाद बहुत अच्छा आता है। और इधर कुकर की लग गई सीटी। चलिए अब इसकी गैस निकलने के बाद हम इसको खोल देते हैं। खोलने के बाद देखिए कितनी अच्छे से दाल पूरी गल गई है। अब इसमें लगा लेते हैं हम तड़का। और देखिए देसी घी डाला है मैंने, और इसमें डाली है थोड़ी सी राई के दाने और जीरा। जीरा तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दाल जीरे के बिना बहुत अधूरी है। और फिर डाल देंगे कुचला हुआ अदरक और लहसुन। ये दोनों को थोड़ी देर तक हमें भूनना है, जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए, जिससे कि कलर भी अच्छा आएगा, इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आ जाएगा। तो इसको देखिए भुन गया है अच्छे से। और इसमें डाल देंगे 2 लाल मिर्ची, सूखी हुई लाल मिर्च है ये। और फिर डाल देंगे 8 से 10 कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता से बहुत अच्छा दाल में स्वाद आता है और बहुत ही अच्छा लगता है, और देखने में भी इसका कलर बहुत अच्छा लगता है। और डाल देते हैं दाल। देखिए दाल डालने के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। और हम इसको ज़्यादा नहीं उबालेंगे, क्योंकि पहले से ही अच्छे से उबली हुई है। तो बस डाल देते हैं हरा धनिया, और देखिए कितना अच्छा कलर, और हरे धनिया की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि देसी धनिया की बहुत अच्छी खुशबू आती है। और देखिए चलिए परोसते हैं दाल और चावल और खाते हैं। बहुत ही अच्छे बने, सूखी भिंडी की सब्ज़ी है। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। अगले वीडियो में फिर